पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग खत्म कर ली है और उसके बाद तमाम विधायकों से वो मिले हैं, विधायक आ रहे हैं। शीतल जी, क्या बात हुई, भगवंत मान ने क्या संदेश दिया है? लोकतंत्र की जड़ी हत्या कर रही है बीजेपी, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे खरीदना चाहती है और विरोध के गवर्नर हाउस जा रहे हैं, सारे एमएलए मार्च करके जा रहे हैं। भगवंत मान कहां से आपको ज्वाइन करेंगे? देखो, वो अभी कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। 10 मिनट में कैबिनेट की बैठक, कुछ फैसला लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला अभी 10 मिनट बाद लेंगे कैबिनेट में। शीतल अनुराल जी, दरअसल आप उन विधायकों में से हैं जिनको ये ऑफर दी गई थी, आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई, ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमने इनका जो मिशन लोटस है उसको खत्म किया दिल्ली के बाद पंजाब के एमएलओ ने। अब ये लोग चाहते हैं कि जो लोग चुन के आए हुए हैं उनको लोकतंत्र की जो हत्या करके उनको पैसे के बल पे खींचा जाए। यहाँ पे भाजपा सरकार लोगों ने नहीं बनाई, वहाँ पर ये भाजपा सरकार को खड़े कर सके पैसे के बल पर हम लोग पूछना चाहते हैं ये पैसे आए कहाँ से इतने। क्या आप बताएंगे आपको धमकी किस तरीके से दी गई थी, किसने दी थी, क्योंकि अब तो FIR भी हुई है, लेकिन उसका एविडेंस है पंजाब के DGP साहब को दे दिया गया, पंजाब के DGP साहब देख रहे हैं, बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन में सारे प्रूफ आपके सामने सभी के आ जाएंगे, पंजाब की जनता के सामने। तो आज का जो प्रोटेस्ट मार्च है, क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? अब सभी विधायक जा रहे हैं गवर्नर हाउस जा रहे हैं, क्योंकि जो आज पंजाब के सेशन इन्होंने रद्द किया, पर ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि आज एक पंजाब के जो लोकतंत्र में जो सेशन बुलाया गया, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम अपनी आवाज कहाँ रखेंगे, हम अपनी विधानसभा में आवाज रख सकते हैं, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत जल्दी 15 मिनट बाद कैबिनेट में एक नया फैसला आ रहा है, पंजाब के लोगों को वो भी समर्पित करेंगे। तो पंजाब के तमाम विधायक विधानसभा से बाहर निकले हैं और भगवंत मान फिलहाल मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, तमाम विधायक विधानसभा से राजभवन की तरफ कूच करने जा रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।